नमस्कार। आज भूरे खानी बात के लर्निंग टेक्निक का ये 50वीं कड़ी है, जो जितनी भी इस बाज में सुगम चीजें थी, आसान चीजें थी, बल थे, कण, खटका, मुर्की और जमजमा, मींड, गमक, ये तो मैंने अभी आपको 50 वीडियोस में बताया, और अलग अलग राग लिए जो हमारे तालीम के राग हैं उसमें बताया मैंने अलग अलग चीजें। और अब 51वीं जो वीडियो है, यहां से मैं राग की तालीम शुरू करूंगा, क्योंकि इसके बाद जो चीजें मैं सिखाने वाला हूं राग की बंदिश सिखाने के बाद, वो फिर इन चीजों का कैसे इस्तेमाल करना है वो सिखाऊंगा, और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, बहुत सारी ऐसी बातें हैं इस बाज की जो बहुत जटिलतम चीजें हैं, जिनके बारे में अभी मैंने कोई खुलासा नहीं किया है। यूं कहें कि इस बाज के ब्रह्मास्त्र अभी मैंने आपके सामने नहीं दिखाए हैं, तो वक्त रहा और आप लोगों ने मेहनत की और आप आगे बढ़ते रहे और मुझे अच्छा रिस्पांस मिलता रहा, तो फिर उन जटिल बातों का भी जिक्र मैं करूंगा। लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि जो पलटे और बल और जो अलग अलग टेक्निक्स हैं वो अभी पूरी हो गई हैं ऑलमोस्ट, लेकिन जो बहुत मुश्किल बातें हैं उनका जिक्र बाद में। और अभी बंदिश, उसका एक्सप्रेशन, उसमें बहलावे, उसमें छोटी छोटी ताने, उसमें कण, खटका, मुर्की, गमक, मीड, जमजमा, इन सब चीजों का प्रयोग कैसे करते हैं वो अगली वीडियो से मैं आपको बताऊंगा। और अभी तक तो मैं आपका हाथ गर्मा रहा हूं, आपका हाथ गर्म कर रहा हूं कि आपका हाथ इस लाइक बने कि आप वो सब चीजें समझ पाए और बजा पाए। और बहुत सारे लोग मुझे बार बार मैसेज करते हैं या मेल करते हैं कि जी ताल में सिखाइए, लय में सिखाइए, बंदिश सिखाइए, राग सिखाइए। तो मैंने सोचा कि लोग इतने तक ही सीमित रहना चाहते हैं, तो चलिए ये करके देखते हैं, उसके बाद आपका रिस्पांस देखते हैं क्या रहता है, तो आगे की बातें तब छेड़ेंगे। तो सबसे पहले उस्ताद जी की बात करते हैं, क्योंकि आजकल मेरा दिल करता है कि हर एक वीडियो में उनका थोड़ा सा जिक्र जरूर हो, उनके उनके नेचर के बारे में, उनके रहन सहन, उठने बैठने, उनकी सोच, उनका आचार विचार, उसके ऊपर कुछ कुछ बातें होती रहें तो बड़ा मज़ा है। तो आज जो सबसे मज़ेदार बात मैं आपको बताने वाला हूँ उनके बारे में, वो ये है कि वो हमेशा बहुत अच्छे अच्छे वर्ल्ड क्लास परफ्यूम्स का उनको बहुत शौक था। जहाँ भी देश विदेश में जाते थे वो, तो बढ़िया बढ़िया जितने भी टॉप क्लास परफ्यूम्स होते थे वो लेकर के आते थे, और आके फिर जब मेरी क्लास होती थी तो मैं जब जाता था तो अलमारी में से बॉटल्स निकालते थे और कहते थे देख देख इसमें से कौन सा अच्छा है, तुझे कौन सा पसंद है वही लगाएंगे। फिर मैं कोई परफ्यूम छांटता, फिर उसको वो खोलते
फिर खुद भी लगाते और मुझे भी लगाते, बोलते अब बनेगा माहौल, अब बताऊंगा तुझे ऐसी ऐसी बातें कि तू भी क्या याद करेगा। तो इत्तफाकन मुझे भी बहुत शौक है बचपन से परफ्यूम्स का, और गुरुजी के साथ रह के तो वो सोने पे सुहागा हो गया। तो आज मैं भूरे खानी बाज में आपको जो हमने गरारी सीखी थी उसके दो तीन तरह की फिरत जो है वो बता रहा हूँ। देखिए, एक बताई थी ना रुकी रोक करके गरारी, सारे सारे मारे, सारे सारे मारे मापा मा, सारे सारे मारे मापा मा पादा पादा सदा, सारे सारे मारे मापा मा पादा पादा सदा सारे सा। तो अभी सारा सुनिए एक बार। सारे सा धा सा धा, अब उल्टा सीधा पूरा सुन लीजिए। गुनकली में चल रहा है सब, पहले काले से सी शार्प, लगातार गरारी कैसे बनेंगे। सारे सारे मारे मापा मारे मारे मापा मापा धा पा मापा मापा धा पा धा सा धा पा धा पा धा सा धा सारे सा। सारे 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 मारे सारे सारे मारे माँ, फिर वही रे मारे मापा मारे मारे मापा मापा। अब इसी पैटर्न पे चलेंगे, आगे नहीं बताऊंगा क्योंकि बहुत कुछ बता चुका हूँ, अब तो आपको समझ ही आ जाना चाहिए। सारे मा पा धा सारे मा पा सारे मा सारे सा। अब इसी बात को मैंने धा से लिया मंद्र सप्तक के, धा सारे मा पा धा सारे मा, पर वहां से वापस आए, देखे कैसे। अब इसकी फिरत कैसे है, यानी कि पामा पामा रेसा, धापा धापा मारे मारे सा, साधा साधा पामा पामा, साधा साधा पामा पामा रेसा। बीच के सुर नहीं बता रहा, वो हर सुर की गरारी आपको पता ही है। धासा रे सारे धासा धासा रे सारे मारे, ¶¶
ये सारी बातें आपको समझ आ रही हैं, इनकी डिटेल नोटेशन बताने की जरूरत नहीं है। यदि ये समझ नहीं आ रही है तो फिर कुछ क्या समझ आ रहा है, सोचना पड़ेगा। तो देखिए कैसे। मारे सा फिर मारे मारे सा, पामा रेसा, दोबारा सुनिए दोनों चीज। साधा पा साधा साधा पा मारे सा, तीन सब तक बजा दिए मैंने, तो मुझे लगता कि आपको समझ आया होगा। और अब अगले वीडियो में राग के साथ मिलते हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप खूब मेहनत मशक्कत रियाज करेंगे और उस्ताद भूरे खां साहब का नाम रोशन करेंगे। मैं तो बीच में एक निमित्त यानी कि एक बिचौलिया जिसे कह सकते हैं ना, कि आपको उन तक पहुंचाने वाला बीच का शख्स हूँ एक। तो मेरा रोल उस्ताद भूरे खां साहब तक आपको पहुंचाने का है, और वो मैं कर रहा हूँ और पूरे निष्ठा और ईमानदारी से कर रहा हूँ। अब देखते हैं कि लेने वाले कितने हैं और कितना ले पाते हैं। काम बहुत मेहनत का है, बरसों बरस की मेहनत चाहिए, दिन रात एक करना पड़ता है, तब जाके इतना टूटा फूटा जितना सा मुझे आता है वो हासिल होता है। और उस साथ भूरे खां साहब बनने के लिए तो कई जन्म लेने पड़ते हैं। यही सच्चाई है और इसे ही एक्सेप्ट करके हमें आगे बढ़ना है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।